गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम मयंक और आज का व्लॉग मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस व्लॉग का काफ़ी वेट कर रहा था। फाइनली आज कोविड के बाद फर्स्ट टाइम हिमाचल जा रहा हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल से ही हूँ बट एक डेढ़ साल से जा नहीं पा रहा था क्योंकि कोरोना था, फिर ऑफिस वगैरह था इसलिए। और मेरे को विंटर्स में जाना था कहीं मनाली या शिमला टाइप्स, तो मैंने अपने भाई से प्लान किया, उसको मैंने रेडी कर लिया साथ में चलने के लिए। तो हम जा रहे हैं शिमला, तो हम करेंगे दिल्ली से शिमला, शिमला से कुफरी और फिर वापस दिल्ली। सो अभी ये प्लान है, सो चलते हैं। बहुत ठंड है यार। ओके गाइस, मैं अपने भाइयों से मिलाता हूँ। ये हमारे एक आशीष भाई साहब हैं, इनसे मिलिए। क्या हाल है? ये हमारे दूसरे भाई साहब हैं, आए करो। तैयारी है पूरी चलने की? बढ़िया भाई, बढ़िया। चलो, ठंड बहुत हो रही है भाई, लेकिन सुनाई दे रहा है मैं ऐसे। स्माइल गाइस, पानीपत पहुंच चुके हैं और कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है भाई। भूख तो लग रही है यार, सुबह खाया था उसके बाद अब जाके 11 बज गए। मैं तो कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। मैं तो भाई खा के आया था सुबह, मेरे को पता था तुम रस्ते में कहीं खाने दोगे नहीं। सब कुछ मैंने ही किया। ठंड बहुत है यार, बहुत ठंड है। ठंड तो है भाई। एक बड़ी पुरानी कहावत है, पहले पेट पूजा बाकी कम पूजा। तो अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं, मस्त खाते हैं, फिर चलते हैं। तुम्हारी मंजिल ये चर्च, यहाँ पे पहुँचना है हमें। शिमला 40 किलोमीटर और काफ़ी रोड वगैरह बन रही है तो काफ़ी टाइम लग रहा है गाड़ी चलाने में, पर वेदर काफ़ी अमेजिंग है, अच्छी काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। एक बहुत ही मज़ा का मिली है, पीछे ये टनल है, यहाँ से अभी ट्रेन आएगी तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और सामने व्यू काफ़ी अच्छा है। तो अभी 5 मिनट ट्रेन आने वाली है। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं माल रोड और ये पीछे सारा व्यू है। और लॉन्डो सही है, सब बढ़िया। ठंड तो नहीं लग रही? ठंड है, ठंड है, हल्की हल्की है, चल जाएगी। इतनी तो है, इतनी तो दिल्ली में भी है। हमने गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है, होटल ले लिया, अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने। बहुत भूख लग रही है, सुबह तो कुछ खाया नहीं है और अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। क्या खाओगे भाई? सो इस टाइम अभी 1 डिग्री हो रखा है। मुझे लगा था कि काफ़ी भीड़ नहीं होगी बट काफ़ी भीड़ है, मतलब ठीक ठाक लोग हैं। इस टाइम भी 9 बज रहे हैं और काफ़ी भरा हुआ है। कल मिलते हैं, डे 2, बाय।